साकेब रिज़वी कैंसर मेमोरियल मैराथन, जैसे आप सुनते आए हैं, ये श्री मिस्टर साकेब अख्तर हसन रिज़वी के नाम से शुरुआत की गई जब 2010 में हमने उनको कैंसर से खो दिया। उसके बाद से ही हमने ये मुहिम छेड़ी। सिर्फ ये मैराथन ही नहीं, जैसे आपको पता है कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो सिर्फ कैंसर पीड़ित लोगों के लिए पहले बना था, अभी तो काफ़ी सारी मदद हो जाती है हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से, बट चूंकि ये साकेब रिज़वी के नाम से है, हमने एक मुहिम छेड़ी जहाँ पर हम मैराथन के ज़रिए 10 से 12 हज़ार लोगों को बुलाते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं, और जो भी कंट्रीब्यूशन होता है, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय श्री डॉक्टर अख्तर हसन रिज़वी, जो प्रेसिडेंट है रिज़वी एजुकेशन सोसाइटी के, रीनोन बिल्डर्स है रिज़वी बिल्डर्स, 29 स्कूल एंड कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया है जिसकी, और काफ़ी कुछ उन्होंने बना रखा है। जैसे आप सब जानते हैं रिज़वीज तो हम बुलाते हैं, जो भी टिकट्स का पैसा आता है या जो भी हेल्प आती है वो सारा कैंसर पीड़ित को वहीं का वहीं और तभी चला जाता है। पूरा साल भर भी डिटेक्शन से लेकर ऑपरेशन तक हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन के माध्यम से फ्री होता है। लगातार आप लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता और कैंसर को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की कड़ी हर देश में किस तरीके से होना चाहिए आपको लगता है? यू नो, ये स्टेटमेंट जो आपका है महिला 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 महिला, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। हम चाहें या ना चाहें, क्या हम उनको बचा पा रहे? हम चाहें या ना चाहें, क्या हम रोक पा रहे जो उनके प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं? रेप ही क्यों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्वरा जी से कहा कि रेप ही क्यों, ट्रोलिंग होती है उनके उनकी बॉडी को ट्रोल किया जाता है, पर्सनालिटीज़ को ट्रोल किया जाता है, वो भी एक किस्म का अत्याचार ही हुआ ना। सो ये सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है, महिलाओं के लिए ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए वो होना चाहिए, मगर ये आवाज़ को सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए। आपने एक अद्भुत ऐप बनाया है जिसके आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे साल भर से तो हम देख ही रहे हैं, जैसे आपो शाम का सीज़न होता है वैसे रेप का सीज़न शुरू हो गया है ना, ये सिटी में 2 हुए, वो सिटी में 4 हुए, सो द ग्राफ इज़ गोइंग अप एंड अप एंड अप। ये तो वो है जो हमारी नज़रों के सामने, जो हमारी कानों में सुनाई दे रहा है, हर 9 मिनट में, हर 7 मिनट में होता है। जो चाचा और मामा करते हैं उनका क्या, चाचा करता है बाप का भाई है, मामा करता है माँ का भाई है, तो उससे तो कोई नहीं पूछता। ये तो रेप शोर 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 हो जाता है, कोई पकड़ा जाता है या कोई आवाज़ उठाता है तो सुनाई देता है, बट क्या करें, चुप बैठ जाए, कुछ ना करें। तो जैसे आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, आई हैव डन माय फॉरेंसिक साइंस, सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद समथिंग। मुंबई में मैंने इंडिया में देखा कि 4-5 ऐप है जो सिर्फ SOS के माध्यम से चलते हैं, इंटरनेशनल ऐप्स को देखा जो काफ़ी काफ़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसीलिए 140 ऐप्स को देखने के बाद में ये ऐप को लॉन्च किया गया, लॉन्च करने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दी ऐप, ये जो कार्ड आप देख रहे हैं दैट इज़ द वुमेन सेफ्टी ऐप, क्योंकि पूरा ऐप रूमी केयर पे बना हुआ है जो मेरी बेटी है, उन्हीं की शिकायत थी जो वो UK में बैठी है, उसने मुझसे कहा कि मम्मी जब मैं इंडिया आऊँगी तो मैं भी ऐसी शिकार हो जाऊँगी क्या, मुझे कोई सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, मुझे बाहर जाने मिलेगा या नहीं। तो ये ऐप बना, ऐप बनने के बाद में उन्होंने कहा कि मम्मी ऐप लॉन्च तो होगा मगर जिसके पास 30,000 का मोबाइल है उसी वही ऐप को डाउनलोड कर सकता है, जिसके पास साधारण मोबाइल है वो क्या करें, उसी लिए ये इमरजेंसी कार्ड है। यू कैन कैरी 24/7, ना बारिश से किसी भी चीज़ से उसको कुछ नहीं होगा। उसमें एक स्कैनर है, आप उसे स्कैन कीजिए, 1 किलोमीटर के दायरे पे जो पुलिस स्टेशन है, आप जहाँ भी है, इफ़ आई एम वॉकिंग इन बैंड्रा और मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, आप निकाल कर उसको स्कैन कीजिए, 1 किलोमीटर के दायरे पे जो पुलिस स्टेशन है उसका डायलर आ जाए। अगर नेटवर्क नहीं है तो वो कार्ड के ऊपर बहुत सारे नंबर हैं, जैसे निर्भया स्क्वाड्स ने हमें वादा किया है
और मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह निर्भया स्क्वाड्स पहुंच भी जाती है, ठीक है, तो उसका नंबर है, आप निर्भया स्क्वाड्स को बुला सकते हैं और इस कार्ड के माध्यम से बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड हमने जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कार्ड इंटरनेशनल है, आप इस कार्ड को आउट ऑफ इंडिया लेकर जाइए। आई टोल्ड माई डॉटर टू स्कैन द कार्ड, मैंने फ़ोन पर ही वो कार्ड बताया और मैंने कहा आप स्कैन करें, तो यूके पुलिस के नंबर्स आ गए। जब रुबीना जी ने मुझे इस ऐप के बारे में बताया और जब हमारी बातचीत हो रही थी तो मैं बिल्कुल स्तब्ध थी। सबसे पहले तो मैं इस बात से स्तब्ध थी कि इसके पहले कुछ ऐसा ऐप एग्जैक्टली ये काम करता हुआ नहीं, ऐप्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इस तरीके से रियल टाइम में कोई ऐसा ऐप जो आपको उस मोमेंट पे मदद कर दे, उस क्राइसिस की मोमेंट पे मदद कर दे, ऐसा एग्जैक्टली मैंने तो नहीं सुना था। और मुझे लगता है इस ऐप की सबसे ख़ास बात, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि ये फ़िलहाल तो जो इन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र में सेंट्रिक रखा है और उसके बाद उसको एक्सपैंड करके अब वो इंटरनेशनली भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आप इस कार्ड को कैरी कर रहे हैं या आपके पास वो ऐप है, आप कहीं पे भी जाएं भारत में या दुनिया में, आप एक तरीके से अपने को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हैं। एम्पावरमेंट वही तो होती है ना, हम इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, काफ़ी घिसपिट गया है ये शब्द, लेकिन एम्पावरमेंट का सबसे असल मतलब है कि आप जब हर इंडिविजुअल शख्स को इतना सक्षम बनाएं कि वो खुद अपनी मदद खुद कर सके, जो जैसे इनका हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जैसे कि मुंबई में मुंबई पुलिस के साथ टाई अप किया है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस के साथ और बाकी जगहों पे भी इन्होंने अपने ऐप को ऐसा बनाया है कि वहाँ के लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट है उससे टाई अप हो जाए। तो ये एग्जिस्टिंग जो रियलिटी है उसको आप जहन में रख के आप एक ऐप बना रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी है, ये जेन्युइनली एम्पावरिंग भी है और एंड आई होप कि इससे औरतों को एक नई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगी। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने सिर्फ लो हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में एक जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार या जुल्म की बात होती है ना, तो ये अजम्पशन होता है कि पता नहीं रोड पे हो रहा है, कोई अनजान इंसान कर रहा है, कोई स्ट्रेंजर, कोई पता नहीं, बट एक्चुअली मोर देन 95% जो वायलेंस औरतों पे होता है वो घर के अंदर होता है, वो उनसे उन लोगों द्वारा होता है जिनको वो औरतें अच्छे से जानती थी, जो या तो परिवार के अंदर है या परिवार के करीब है। तो अब आप देखिए कि इस ऐप में उसका भी एक उन्होंने उसको भी टेक इन टू अकाउंट किया है और उस चीज़ के लिए भी एक फैसिलिटी बनाई है इस ऐप के अंदर कि आप खुद अपने आप को, आप अपने बॉडी पे अगर आपको चोट डोमेस्टिक वायलेंस के आप शिकार हैं तो आप खुद सबूत जो है उसका खुद आप फोटो लेकर आप बिना घर से बाहर निकले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना आपको पता नहीं घर के अंदर क्या स्थिति है औरतों की, आपको रोका जा रहा है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप डायरेक्टली बिना घर से निकले हुए आप पुलिस तक सहायता ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ी बात है एक तरीके से, अगर ये ऐप एंड आई रियली होप एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई होप ये ऐप बिल्कुल तेज तरीके से स्प्रेड हो एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करके यूज़ करें, बिकॉज अगर ये सच में इस्तेमाल होने लगा तो इसमें कुछ सही में रेवोल्यूशनरी है, और मैं ये वर्ड हल्के में नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस ऐप की ये लगी है कि एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है एंड अदर थिंग दिस ऐप ऑल्सो हैज़ लीगल गाइडेंस, मतलब हम लोग सब बात करते हैं लेकिन एक्चुअली हमें लॉ क्या है और कानून क्या है वो डिटेल नहीं पता है। तो इस ऐप में अभी मैंने खोल के इन्होंने दिखाया था और इसका प्रेजेंटेशन भी देखा मैंने, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप जाके आपके साथ जो हुआ है उसकी कानूनी व्यवस्था क्या है वो भी आप समझ पाएं। सो उस तरीके से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है, मुझे तो लगता है कि ये पहल बहुत ज़रूरी भी है और बहुत प्रशंसनीय है ये जो इनका एफर्ट है एंड आई रियली होप कि ये बिल्कुल जितना हो सके उतने लड़के लड़कियाँ सारे लोग इसको डाउनलोड करें। आप इस ऐप के बारे में टेक्निकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा रिएक्शन आप पूछ रहे हैं? अगर आप मेरा रिएक्शन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्चुअली इट इज एन एक्सीलेंट वर्क, बियॉन्ड दैट व्हाट इज योर क्वेश्चन?
जब फर्स्ट आपको पता चला कि इस तरह काम कर रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या इनकी गाइडेंस रहा? फर्स्ट टाइम का सवाल नहीं होता है, शी इज परफेक्ट एक्चुअली, शी इज हैविंग अ डिजिटल नॉलेज एंड सोशल मीडिया के हिसाब से, सोशल मीडिया आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है आपके प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में, सोशल मीडिया इज गेटिंग मोर पॉपुलर एंड फॉर सोशल मीडिया यू शुड हैव डिजिटल नॉलेज। आज जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने जो डिजिटल नॉलेज एक्वायर किया है, वो ओल्ड जनरेशन के पास वो डिजिटल नॉलेज नहीं है क्योंकि उनके टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उसका यूज़ करके और इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया है। मैं तो साइलेंट स्पेक्टेटर था, आई वॉज वॉचिंग वॉट शी इज डूइंग एंड आई वॉज हेल्पिंग वॉट एवर हेल्प शी नीडेड। इसी तरह अगर बात करें काफ़ी एप्स निकलते हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन ही होना चाहिए। जितने मतदाता है सब मिडिल जनरेशन वगैरह है, उनका एजुकेशन किस तरीके से नहीं दिया जा रहा है ताकि वो इस तरीके से रेप केसेस एब्यूसमेंट वगैरह करें? क्या एजुकेशन बॉयज़ को देना चाहिए? ज़रूरी तो वो है क्योंकि रेप केस के तो मामले बढ़ते रहेंगे जब तक बॉयज़ को या फिर मर्दों को उस चीज़ की जानकारी ना हो कि ये चीज़ गलत है। फैमिली कहाँ फेल होती है, एजुकेशन कहाँ फेल होती है? आपका क्वेश्चन ये है कि मर्दों को एजुकेट करना चाहिए कि रेप मत करो? यस, सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये है। ये जो रेप वाले इशू हैं ये सेंचुरीज से चले आ रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। रेप एंड मॉलेस्टेशन के जो इश्यूज हैं दे आर गोइंग ऑन सिंस सेंचुरीज, बट सिंस एक्चुअली द सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेज वॉज नॉट देयर, इट वॉज नॉट नोटेड, सो देयरफॉर एक्चुअली इट कुड नॉट कम टू पब्लिक एंड नोन एक्चुअली दिस। इट बिकेम मोर पॉपुलर आफ्टर द निर्भया केस ऑफ दिल्ली, अदरवाइज रेप एंड मॉलेस्टेशन के केसेस कोई नए नहीं हैं कि अभी ये स्टार्ट हो रहे हैं और इसको स्टॉप करना है। एंड वॉट कैन बी द मीडिया टू टेल पीपल दैट यू डोंट रेप देयर ओन कैरेक्टर एंड बिहेवियर? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर अनएजुकेटेड एंड दे आर बिहेविंग लाइक दिस, देर आर एजुकेटेड ऑल्सो हु आर एक्चुअली इन दिस लॉट। बट दिस डिजिटल मीडिया जो है और सोशल मीडिया, इसने इसको इतना हाईलाइट करना शुरू किया है, इसके बावजूद आप लोग नोट कर रहे हैं कि द केसेज ऑफ द नोट्स रेप्स आर गोइंग ऑन कंटिन्यूसली बिकॉज लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आर नेग्लिजेंट, दे हैव नॉट इवॉल्व इन सिस्टम। वॉट कैन पीपल डू एंड वॉट कैन मीडिया डू? दे कैन जस्ट रिपोर्ट, बट रिपोर्टिंग द मैटर आफ्टर द इंसिडेंट इज नॉट समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। सो देर हैज टू बी सम सिस्टम इवॉल्व वेयर इवन गवर्नमेंट एंड द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड इन्फॉर्म द पीपल दैट दिस इज समथिंग विच हैज टू बी प्रिवेंटेड एट ऑल पॉइंट्स। वन वेरी इम्पॉर्टेंट मीडिया एंड द इशू is that actually in all schools and colleges there have to be actually separate lectures, yes, on this, informing actually people that how you can prevent this and that you should also not do this, that it is something which is very bad to the society and you are harming the life of a person actually who is affected by this. So this has to be through the education in schools and colleges also. There should be lectures specifically on this, that this should be prevented and that they should not do, and if they do find any of these things they should report actually to the law enforcing agencies. And it's also a direct message and a warning and a continuous hammering that is required to law enforcing agencies that strict and prompt actions are being taken
एंड व्हाट डू दे प्रपोज, व्हाट मेथड डू वांट दे वांट टू अडॉप्ट टू प्रिवेंट एक्चुअली दिस हैपनिंग, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड एक्चुअली ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज. थिंग्स आर हैपनिंग, दे आर गेटिंग प्रोटेक्शन. अपार्ट फ्रॉम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज देर इज समथिंग लाइक जुडिशियरी. Even the judiciary actually has to take the prompt action whenever actually the matter comes to the court. So it is that the whole society has to be involved to tackle this issue, not a particular section, not certain people. Of course, in that, what is important is that if something is happening, that person is helpless. So if he is helpless at that time, how he can actually be rescue himself? For that rescuing, this app has been introduced actually by advocate Mrs. Rizvi, that through this app at least people have something in hand to ask for the help immediately, right at that moment. Because you keep shouting, you keep calling, by the time things have happened and things have gone. So neither law enforcing agencies nor your judiciary can repair that damage which is already done, which results most often in the form of their death and life actually. So the whole society, I say, has to be involved, and for the entire society we have to inform equally, and that information is being given through actually the app which is introduced. As it is being said that this is free, this is a card, but it is the duty of the media also. As I am saying, the whole society, the media has to play a very important role on this.